अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको फार्माकोलॉजी के बारे में कुछ गाइडलाइन बताना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगी। सबसे पहले पढ़ने के लिए जो बुक्स आप सेलेक्ट करेंगे उनमें आप कैटजन मिनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो आपके एज अ टेक्स्ट बुक भी है और जो कि आप उसका अपना मेन फोकस भी होगा। और साथ में आप लिपन कोड को इस्तेमाल करेंगे जो कि आप एज अ रिव्यू के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक प्रिंसिपल से, जो कि ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये 5 चैप्टर्स शामिल हैं जो कि आप कैटजन से ये आप अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आप लिपन कोड से इसे ये देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कुछ डिटेल्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसे आप इज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद आप हम जाएंगे ऑटोनॉमिक ड्रग्स की तरफ। इन ड्रग्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक तो पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। मसलन जो कि कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उस चैप्टर के एंड में जो कैटजन वालों ने एक बहुत अच्छा टेबल बनाया हुआ है, आप उसमें से जो ड्रग की क्लासेस और इंडिविजुअल ड्रग्स लिखी हुई हैं आप उनके नाम याद कर लें, क्योंकि आप जब इनके नाम याद कर लेंगे तो आप जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आपका फोकस ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, आप टेक्स्ट रीड करेंगे एक्चुअली में, तो जो कि आपको चैप्टर अंडरस्टैंड करने में काफ़ी अहम साबित होंगी। इसके अलावा बेहतर तो ये है कि आप हर ड्रग के बारे में इंडिविजुअली याद करें, मतलब यानी उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके यूजेस, उसके साइड इफेक्ट्स। लेकिन ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप सब ड्रग्स को याद करना मुश्किल होगा, तो आप कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स आप जो कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स के बारे में आप याद कर सकते हैं उनके। इसके साथ साथ आपको ड्रग्स की जो मेजर क्लासेज हैं आपको उसके बारे में का लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास जो कि 5 चैप्टर के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसके लिए आपको लिपन कोड और कैटजन दोनों से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत अहम चैप्टर्स हैं, इनका आगे काफ़ी रिलेशन है दूसरे चैप्टर्स के साथ भी। जब आप लिपन कोड से पढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ें कैटजन में मिसिंग है वो आपको वहाँ पे मिलेंगी, जिससे आपका जो डेफिशिएंसी होगी वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स हैं, उसमें जो जो भी चैप्टर्स हैं जितने भी आ रहे हैं उन्हें आप कैटजन से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप ऑटोनॉमिक ड्रग्स अच्छी तरह कर सकते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। इसके साथ आपका जो एक सीवीएस के साथ एक टॉपिक मोस्टली यू होता है वो ड्रग्स विद ब्लड डिसऑर्डर्स के साथ जाता है, उसके लिए आप अगर ये ब्लड डिसऑर्डर्स भी इसके साथ ही करेंगे क्योंकि ये इकट्ठा एक टॉपिक्स बनता है, तो ये आप भी ये टॉपिक्स भी आप कैटजन से ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको लिपन कोड से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक्स है ड्रग्स जो इंपॉर्टेंट एक्शन स्मूथ मसल्स में, हमारे पास जो ड्रग हैं आप देख सकते हैं हिस्टामिन सेरोटोनिन वाला, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से MCQs आ जाते हैं। उसके साथ जो ये हमारे पास एस्थमा और COPD वाला चैप्टर है, रेस्पिरेशन, इसका एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है, इसके लिए आपको लिपन कोड से कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पे मिस हैं जो कि आपको लिपन कोड में मिल जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आपको दूसरे चैप्टर्स जब आप कर लेंगे तो उनके साथ ही कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, काफ़ी रफ़ टॉपिक है और इसकी वेटेज भी कम है, तो लिहाजा हम इसे कैटजन मिनी से ही करेंगे। और इसकी ड्रग्स थोड़ी मुश्किल हैं जो कि आप किसी भी तरीके से याद करने के लिए कोई भी तरीका इसका लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो एंडोक्राइन ड्रग्स पे, आप जो कि इनमें जो सबसे अहम चैप्टर है वो आप देख सकते हैं इंसुलिन और ग्लूकागन वाला चैप्टर है, जो कि आपको काफ़ी अहम चैप्टर है। इसके अलावा ये आप कैटजन मिनी से ही करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से भी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसे कैटजन मिनी से अच्छी तरह ही करेंगे। इसके बाद हम एक टॉपिक आता है वो हमारे पास है ड्रग्स यूज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है वो रेस्पिरेशन, और इसमें चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता आता है। इस चैप्टर के लिए आपको कैटजन से ही तो पढ़ेंगे ही आप, लेकिन जो कुछ चीज़ें इसमें मिस हैं वो आप लिपन कोड से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपके लिए इसी आप पढ़ने के बाद इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब हम मूव करते हैं अपने सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स यानी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स की तरफ। आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में काफ़ी चैप्टर्स
शामिल हैं। आप इस चैप्टर्स में जो कि एक अहम चीज़ है वो एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम्स हैं ड्रग्स का याद करने के लिए। वो लिपन कोड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको टेबल्स बने हुए दिखाई देंगे जो कि बहुत अहम टेबल्स हैं। वो टेबल्स आप अगर कर लेते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई भी एमसीक्यू आए तो आप उसे हल करने में काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा आप उसके ड्रग्स के एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम आप लिपन कोड से ही करेंगे तो उसके बाद जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं साइड इफ़ेक्ट्स उनके और उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स वो आप लिपन कोड से ही करेंगे। बाकी ड्रग्स जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकेंगे इधर से। इसके अलावा कुछ जो हमारे पास सिलेबस में यही तमाम चैप्टर्स थे लेकिन जो हमारे पास सिलेबस है उनमें यानी ये जो बोन मिनरल होम्योस्टेसिस और ड्रग्स यूजिंग साइटोपिनियाज ये हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ लेकिन इनमें से क्वेश्चन बाज़ दफ़ा आ जाता है तो इसलिए हम इन्हें स्किप नहीं कर सकते इन्हें लाजमी तौर पर ही करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जो ड्रग चैप्टर्स के एंड में एमसीक्यूज़ बने हुए होते हैं आप उन्हें लाजमी सॉल्व कीजिएगा क्योंकि उनमें जो बाज़ ऑफ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं कि वो एज ए एमसीक्यूज़ नहीं होते वो आपको सिनेरियोज़ भी मिल जाते हैं जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन हल करने में अहम साबित हो सकते हैं। जो कि मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो इस चैप्टर्स में से हैं वो आपको काफ़ी मुश्किल भी हैं लेकिन वो काफ़ी अहम भी साबित होंगे। इसके अलावा आपको मोस्टली हमने जो चीज़ें थी वो कर ली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। शुक्रिया।